अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहरिक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में इतफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहरिक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इतफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ही ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहरिक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश के बाद अपोजिशन ने भी कमर कस ली है, सियासी राबते शुरू कर दिए। हुकूमत की तरफ से अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर जोड़ तोड़ की तैयारियों ने अपोजिशन बेंचों को भी हिला दिया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की दो बड़ी जमातों JUI और PTI का राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक JUI ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर PTI क़यादत के बेख्तियार होने का शिकवा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर बताइए। जी बिल्कुल, जो ही हुकूमती साइड से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो वादा किया गया था इतिहादी बातों से कि जिन जिन के कुछ नुकात जो थे, जैसे MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम का मुतालबा था कि बलदियाती इदारों को डायरेक्ट वफाक से फंड दिए जाएं, इस तरह की जो तरमीम थी जो रह गई थी उनको करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियों की, जो ही ये चीज़ें सामने आई हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर उस्मान चीफ की मुलाकात हुई और उन्हें 27वीं तरमीम के लिए जो है वो पहले से तैयारियाँ करने का कहा गया। खासतौर पर मौलाना फजल रहमान को इब्तदा से ही इत्मीनान में लेने का कहा गया। तो दूसरी तरफ JUI और PTI के दरमियान जो है वो भी रबते हुए हैं और ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते में यानी कल से शुरू होने वाले हफ्ते में JUI और PTI की आपस में मुलाकात की तैयारियां भी जा रही हैं। लेकिन उसमें JUI ने कुछ गिले शिकवे किए हैं PTI से कि उनमें से बाख्तियार कौन है, क्योंकि PTI ने उनके मुसवदे पर इत्तफाक किया था लेकिन उसके बाद उसको वोट नहीं दिया। अगर ये वोट जो है वो मौजूद होते मंसूर अली शाह साहब की हिमायत में तो कम अज कम एक ज्यादा अखलाकी प्रक्रिया होती कि चार वोट जो है वो मंसूर अली शाह साहब के हक में उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए। इसी तरह से PTI जो है वो अपने फैसलों में बाख्तियार लोगों का बताया ताकि उनसे बात की जा सके। लेकिन इसके बावजूद दोनों में जो इस बात में इत्तेफाक हुआ है कि 27वीं यानी तरमीम के मामले पे दोनों जमातें मिलकर चलेगी। मैं ये भी बताता चलूँ की चिन्नौट में जो खतन वोट कांग्रेस थी उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो वहां पे खिताब किया था एक मदरसे में और उन्होंने कहा था कि हम हर सूरत आईनी तरमीम जो है 27वीं यानी तरमीम उसमें मुजाहमत करेंगे और उसे मंजूर नहीं होने देंगे। तो इसलिए हुकूमत ने भी ये डिसाइड किया है कि वो इस बार पिछली बार की तरह मौलाना को इत्माद में लिए बगैर कदम कराने के बजाय वो इस बार पहले ही इस बात में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका शुक्रिया अली शेर तफसीलात के लिए। 26वीं तरमीम के बाद वज़ीरे आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया। हमने ये आईनी तरमीम बहुत सोच समझ कर पास कराए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स को फरोग देती है। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी मुलाकात रही। वज़ीरे आज़म से कहा था, लाहौर में पोलो मैच देखने आया हूँ। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे, अदालत और आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, आप मुझसे पूछे कि कहाँ कहाँ से मेहमान आए हैं, आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़े अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के लिए। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फिरदौस शमीम ने पार्टी की तंजीम साजी का अमल असर नौ करने की तजवीज़ दी। हलीम आदिल शेख ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
बुशरा बीबी और बानी पीटरे की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। उन्होंने 9 माह जेल काटी। बानी पीटरे को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है, बिजली बंद की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, कहा मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून है, तवक्को है वो आयन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मजीद बोले मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और रहेगा, बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। मैं इस बात की बिल्कुल सख्ती से नफी करता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा या खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बुशरा बीबी ने 9 महीने से ज़्यादा जिन हालात में जेल काटी है, उनके सेल में बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया, उनके खाने का मैयार जो है वो नहीं था ठीक। याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक अच्छे कानून साहब, एक अच्छे माहिर कानून भी रह चुके हैं, हैं भी। गुजारिश है कि वो अपने मनसब को एक उम्दा तरीके से, एक एहसन तरीके से और मुनसफाना तरीके से इस्तेमाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनका एक अपना नज़रिया है, एक रास्ता हमारा ये है कि हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह ताला एक। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है, लग रहा है उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलना मेमन ने कहा है कि पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई, बतौर कारकुन नहीं चाहते किसी की माँ बहन जेल में जाए। इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग, और कोशिश जरूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है खैर से। ये सारे के लिए इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है, और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, इस वक्त अमेरिका में भी गोल्ड स्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर, एज अ वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ बहन या बेटी जो है कभी जेल में जाए, इसके हम खिलाफ हैं। बशमूल इसके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाद साहिबा को जेल में भेजा गया, इमरान खान वजीर आजम थे उनके अहकाम में भेजा गया। खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां 26 और 27 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां सामने आई हैं। 4 खबारिज को जहां वासिल कर दिया गया। शुमाली वजरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 2 खबारिज हलाक हुए। जिला खैबर में भी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खबारिज जहां वासिल जबकि 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खबारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह और शाहीन शाह आफरीदी को इत्कॉज का हिस्सा बनाया गया, और जिम्बाब्वे के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि दौरे जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस को ज्यादा अहमियत दी गई है। इन शर्ट्स का दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, नामवर खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। बाबर, शाहीन और नसीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को त्रिड़ी पार कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरा जिम्बाब्वे पर नहीं जाएंगे। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे T20 और जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे खेलेंगे, T20 में रेस्ट करेंगे। दोनों दौरों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स भी स्क्वाड में शामिल। कई खिलाड़ी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बने। कौमी टीम 4 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल की सम्प मुतय्यन कर दी गई। चेयरमैन PCB ने जेर मुहायदा खिलाड़ियों को अपनी हुदूद में रहने का पैगाम दे दिया। वनडे और T20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पूरी टीम को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया है। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद ने मुंतखब न होने वाले खिलाड़ियों को दिलासा दिया। अफजल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर, सलमान आगा नायब होंगे, चेयरमैन PCB ने ऐलान कर दिया। फखर जमान के आउट ऑफ फेवर होने से मुतालिक सूरत हाल वाज़ह कर दी। रिजवान जो है वो कैप्टन बनने चाहिए, आगा जो है वो वाइस कैप्टन। फखर का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट
नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने ऑल इज वेल होने की रिपोर्ट दी। कहा, ग्रुप बंदी का सब बाहर से ही सुनते रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान के ग्रुप का हूँ, टीम में 15 प्लेयर्स कप्तान हैं। ये जितने भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे, कैप्टन आया हूँ तो मेरे लिए एक ही बात ये काफी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान है। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर आकिब जावेद का कहना था कि स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर इंग्लैंड का भी उतना ही चांस था जितना हमारा था। फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाए, तो अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा कौमी स्क्वाड दो ग्रुप्स में 28 और 29 अक्टूबर को मेलबर्न की उड़ान भरेगा। कैंगरूज से 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कई खिलाड़ियों की तनजील हुई है जिसमें सबसे नुमाया शाहीन शाहफीदी की एसीबी कैटेगरी में मुंतकली है। बोर्ड के ज़ेरे मुआहदा प्लेयर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत कितनी रकम बतौर मुआवजा हासिल करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीसीबी के ज़ेरे मुआहदा खिलाड़ियों की मौजा ही मौजा। ए कैटेगरी में शामिल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान महाना 45 लाख रुपए पाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को पीसीबी 30 लाख रुपए महाना अदा करेगा। कैटेगरी सी के खिलाड़ियों को तकरीबन 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैटेगरी डी के खिलाड़ियों को भी कैटेगरी सी के बराबर ही मुआवजा दिया जाता है। नोमान अली और साजिद खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है। खिलाड़ी सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही फैस नहीं होते, मैच फीस, तीनों फॉर्मेट्स में स्पॉन्सरशिप और बोनस से भी उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है। आपको बताएं कि आईपीपीएस के नाम पर 2000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे चंद खानदानों को दिए गए। अवाम, नौजवानों, माओ बहनों, तलबा मजदूरों की नुमाइंदगी जमात इस्लामी कर रही है। सरगोधा में जमात इस्लामी के जलसे से हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, आईपीपीएस माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये एटीएम की सूरत में इन पार्टियों में मौजूद होते हैं। आईपीपीस के नाम पर 2000 अरब रुपए से ज़ायद पैसे चंद खानदानों को दिए गए। अवाम, नौजवान, माओ बहनों, तलबा मजदूरों की नुमाइंदगी जमात इस्लामी कर रही है। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां भुले शाह पेपर मिल के करीब कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया, 4 अफराद जहां बहक हो गए, 1 जख्मी हो गया। भुले शाह पेपर मिल के बाहर लोडर के साथ कंटेनर उतारा जा रहा था कि लिफ्टर से कंटेनर गिर गया, 1 शख्स को जिंदा बचा लिया गया। रानीपुर में गंबट के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ, 1 लड़का जहां बहक जबकि 1 खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में नौजवान रेल से टकरा कर जान की बाजी हार गया। मुल्तान में मुमताज आबाद फाटक के करीब 1 शख्स ट्रेन की टक्कर जाम भाग हो गया। रेलवे लाइन क्रॉसिंग के दौरान हादसा पेश आया। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस दारेल मोड़ के करीब हादसे का शिकार हुई, 3 अफराद जहां बहक हो गए। बस में 23 अफराद सवार थे। फैसलाबाद में नवाही गांव के करीब 2 मोटरसाइकिलों का तसादुम, 1 शख्स जहां बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। पिशावर से खबर है, जिसके इंडस्ट्रियल इस्टेट पर टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी आग पर 24 घंटे की मेहनत के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अहलकारों, पाक फजाई के फायर टेंडर्स और दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग के बाइस कारखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा, कई फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। पेशावर के इंडस्ट्रियल इस्टेट पर टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी आग पर 24 घंटों की मेहनत के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अहलकारों, पाक फजाई के फायर टेंडर्स और दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पिशावर की बड़ी आग बड़ा नुकसान कर गई, टिश्यू पेपर फैक्ट्री मुकम्मल खाकस्तर हो गई। पिशावर के इंडस्ट्रियल इस्टेट पर टिश्यू पेपर के कारखाने में लगी आग पर कई घंटों की मेहनत के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि आग के बाइस कारखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। आग बुझाने में रेस्क्यू 1122 की 25 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया, 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स भी मौजूद रहे। 4 मंजिला ये इमारत थी, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, जबकि आग को मजीद फैलने और उसकी कूलिंग के लिए रेस्क्यू 1122 की फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। टोटल तकरीबन 130 से ज्यादा अहलकार और 25 से ज्यादा फायर व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। आग पर काबू पाने के लिए 4 सद्दा, मर्दान, स्वाबी, नौशेरा और जिला खैबर की टीमें तलब की गई थीं। पाक फिजाइया के फायर फाइटर्स ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 18 रेस्क्यू अहलकारों की हालत गैर हुई, जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई और अब इनकी हालत बेहतर है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका मशक वन के चरात में अख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई। दो हफ्ते तवील मशक का आगाज 15 अक्टूबर 2024 को हुआ है। मशक में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान आर्मी और जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज की टीमों ने हिस्सा लिया। मशक के दौरान दस्तों ने पेशावराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया। अख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में शामिल मशकों तरीक़ेकार तकनीक्स और दोस्त ममालिक के दरमियान अस्करी तालुकात को बेहतर बनाना था। अमरीका भर के मुसलमान उलमा और रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी है। 5 साल पलट गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुसलमान वोटर्स के दिल जीतने में कामयाब हो गए। रियासत मिशिगन में बड़े उलमा ने स्टेज पर आकर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में मिशिगन को मुसलमान रहनुमाओं की हिमायत का खैर मकदम किया। रिपोर्ट कामरान जिलानी की। मिशिगन एक फैसला कुन रियासत, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार को सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। मुमताज मुसलमान उल्मा और रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। ट्रंप ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में मुसलमान और अरब वोटर्स की हिमायत जीतने का ऐलान किया। मिशिगन में इंतखाबी रैली के मौके पर ट्रंप ने मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप को इंतहाई मौजिज़ करार देते हुए उन्हें स्टेज पर मदऊ किया। मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप ने जंगों के खात्मे और आलमी अमन को यकीनी बनाने के डोनाल्ड ट्रंप के अज़्म को अपनी हिमायत की अव्वलीन वजह करार दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वो रहनुमा हैं जिन्होंने जंग का नहीं बल्कि अमन का वादा किया है, इसीलिए हम बहैसियत मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप की क़यादत मारूफ इमाम बिलाल अलज़हरी कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 32वां रोज है। पाकिस्तान के फनकार थिएटर प्ले पेश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। काशान बताइए। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। फेस्टिवल का आज 32वां रोज है। आज जो है गैर मुल्की फनकार जो अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे और रंगारंग कॉन्सर्ट भी मुनक्द किया गया है। दूसरी जानब नॉर्वे का थिएटर भी मुनक्द किया गया है, इसमें पाकिस्तान और नॉर्वे के फनकार जो है वो थिएटर पेश कर रहे हैं। इस वक्त खवातीन मेरे मेरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि गैर मुल्की फनकार परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के, क्या कैसा देखती हैं आप? बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर किसी की कम्युनिटीज़ रहती हैं, हर किस्म के हेरिटेजेस हैं। यू हैव सो मेनी लैंग्वेजेस माशाल्लाह, सो व्हाई नॉट प्रमोट आवरसेल्व्स एज वेल एंड प्रमोट द वर्ल्ड एज वेल। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे मुल्क में जो हो रही है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकली क्या हो रहा है, और अगर जो बच्चे जैसे उनको बाहर भी जाना हो मुल्क में, उनको वैसे ही पता चल जाए कि वो हमारे। काशान आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।